ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं आने वाले एपिसोड में अब कार्तिक को लगने वाला है बड़ा झटका, तो साथ में घर वालों को भी। दरअसल यहाँ पर अखिलेश को यहाँ पर सारे घर वाले यानी सुरेखा और मनीष कहते हैं कि तुम्हारी बात कार्तिक जल्दी मानेगा, इसलिए तुम ही जाकर बात करो कि उसकी शादी हम रिया से करवाना चाहते हैं, तो उसका क्या राय है। लेकिन अखिलेश समझाने की कोशिश करता है कि अभी नायरा को गए कम ही वक्त हुआ है और वहीं पर स्वर्णा भी उस बात को अभी नहीं उठाना चाहती और ना ही दादी चाहती। अगर कोई चाहता है तो वो सुरेखा और मनीष, और वो अखिलेश के सामने कह देते तो अखिलेश भी बेचारा उनकी जिद में आकर कह देता कि हाँ ठीक है मैं बात करूंगा, और वो कार्तिक से बात करने जाता है मौका ढूंढते ही। और यहाँ पर उसको लगता है किसी और के बारे में यानी सीरत के बारे में बात हो रही है, और वो कह देता कि अगर आप लोगों ने सोचा है तो अच्छा ही होगा ना, मैं भी अपनी वजह से किसी और को दुखी घर वालों को दुखी नहीं कर सकता हूँ, आप लोगों की भी तो कई उम्मीदें हैं। और वो हाँ कर देता है और सबको लगता है कि उसने रिया की शादी के लिए हाँ कर दी है, लेकिन कार्तिक ने सीरत से शादी करने के लिए हाँ करी है। तो वहीं पर आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि दुल्हनी मनाई जा रही है, सेलिब्रेट की जा रही है, और यहाँ पर होने वाली है सीरत के एक्स बॉयफ्रेंड की एंट्री। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर करण कुंद्रा आपको नजर आने वाले हैं सीरत के एक्स बॉयफ्रेंड बनकर, जो कि यहाँ पर हिंट देंगे यानी बहुत ही बड़ी दस्तक देने वाले हैं, वो भी धुलंडी पर, जहाँ पर सीरत कार्तिक सभी लोग यहाँ पर फेस्टिवल मनाते हुए नजर आएंगे और इस सीजन इस त्यौहार का काफी मजा ले रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, रंग लगा रहे होंगे और कार्तिक सीरत काफी करीब हो गए। इतने में ही करण कुंद्रा की एंट्री होगी और यहाँ पर सीरत को यानी कार्तिक के हाथ लगने वाला है सीरत का ये लव लेटर, जो कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने ही भेजा है और वो वापस आ चुका है। वहीं घर वालों को भी अब यहाँ पर गलतफहमी हो चुकी है कि कार्तिक ने रिया से शादी के लिए हाँ करी, तो रिया भी बहुत पागलों की तरह खुश हो रही होगी, लेकिन वो उसने तो सीरत के साथ रहने के लिए हाँ करी है। देखना इंटरेस्टिंग होने वाला काफी कुछ। और वहीं पर अब कार्तिक दिलाएगा उस कोच को सजा। तो भाई आगे एपिसोड के अपडेट हम जल्दी लेकर हाजिर होंगे, तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।